फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है यहाँ पर हलछट की पूजा। ये देखिए, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और बस अब हम लोग काशवेर में पूजा करने ही वाले हैं। ये देखिए, भाभी ने तैयारियाँ शुरू भी कर दी हैं, इनफैक्ट पूजा भी शुरू हो चुकी है। ये पड़ोस की भाभी हैं, हम सब साथ मिलकर ही पूजा करते हैं हमेशा। और देखिए, यहाँ पर भाभी ने कुछ पूजा पहले ही शुरू कर दी थी और अभी हम भी बैठ गए हैं करने। ये देख, इस पे ढाक के पत्ते, गन्ना और इनका पौधा गमले में लगाकर, या गमला नहीं अवेलेबल है तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, लगाकर पूजा करते हैं। इसमें दूब घास की भी ज़रूरत पड़ती है, कुश की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए, भाभी ने पहले इनको हलछट माता को कपड़े पहनाए हैं, फिर ये चने, एक दोने में चने और दही को रखते हैं। ये छः बनते हैं, छः दोने बनते हैं और ये सारे हलछट माता को चढ़ाए जाते हैं। इनके जल, रोली, दही, शहद, बहुत कुछ होता है इस पूजा में। और ये पूजा बाकी पूजाओं से थोड़ा सा अलग हटके है। और ये पूजा लड़कों के ऊपर होती है, तो जिसके लड़के हैं वही ये पूजा कर सकता है, जिसके नहीं है वो नहीं करेगा। देखिए, सब लोग विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं। और ये देखिए, भाभी की पूजा यहाँ पर हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ। और जहाँ पर मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, भाभी बताती रहती हैं और मैं पूजा अपनी कंटिन्यू रखती हूँ। और ये पूजा हर जगह होती है, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ ना होती हो, ये सब जगह होती है। इसके बाद ये कैलेंडर लगा हुआ है हलछट माता का, इसमें सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा देवी, शंकर भगवान, पार्वती, गाय और सब कुछ बना हुआ है। जो भी हलछट में होता है, हलछट माता बनी हुई है, सब पूजा होती है। ये जो गाय है, बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, इसको कपड़े से छुपा देते हैं, इसको नहीं दिखाते। अब देखिए, भाभी की पूजा हो चुकी है यहाँ पर भी और अब मैं कर रही हूँ। मैं कुछ भूलती भी जा रही हूँ, भाभी दोनों मुझे बता रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। देखिए, और इसी तरह पूजा लगभग होने वाली है, कम बस एक दो मिनट की पूजा और बची है। बस इसके बाद में सुहाग ले लिया जाता है, फिर आरती और फेरे। फेरे भी इसमें छः होते हैं, क्योंकि हलछट माता है ना, तो इसमें छः फेरे होते हैं। उस पूजा के बाद में कथा पढ़ते हैं और कथा ये मैं ही पढ़ती हूँ, भाभी दोनों कथा सुन रही हैं यहाँ पर। और कहाँ वीडियो कॉल कथा चल रही है यहाँ पे, सब लोग कथा सुन रहे हैं। और इसके बाद आरती होगी, फेरे होंगे, बस लगभग पूजा हो चुकी है। यहाँ पे गौरी जी से सुहाग लिया जाता है, वही चल रहा है। पहले भाभी ले चुकी हैं, फिर अभी मैं कर रही हूँ। इसके बाद फेरे, छह फेरे पहले मैंने किए, फिर भाभी ने किए और उसके बाद आरती होती है। फेरे वैसे लड़के को गोद में लेकर होती है, पर मेरा वाला सो रहा था और भाभी वाला स्कूल गया था, इसलिए गोद में नहीं है किसी की भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।